आप देख रहे हैं केवल सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच। मैं आपके साथ पल्लवी कुमारी। आज मैं खड़ी हूँ हिंदू के प्रसिद्ध महावीर मंडल में, जहाँ पे रामनवमी को लेकर बहुत ज़्यादा ही तैयारियाँ की जा रही है। तो आइए यहाँ के भक्त, यहाँ के पुजारियों एवं यहाँ के संस्थापक से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ क्या की जा रही हैं और क्या क्या भव्य यहाँ पे तैयारियाँ होंगी। अब आपका नाम क्या हुआ? चंद्रहास तिवारी। अच्छा, आप यहाँ पे कब से कार्यरत हैं? कार्यरत यहाँ पे कब से हैं आप? यहाँ पूजा कब कब से कर रहे हैं आप? बहुत दिन हो गया, 81 से, 1981 से। अच्छा, ये मंदिर कितनी प्राचीन है, कब स्थापना? बहुत प्राचीन, पहले छोटे हनुमान जी थे, इसके बाद ही मंदिर बना, बड़े हनुमान जी बने। बहुत प्राचीन मंदिर है। पहले के मंदिर परिसर में और अभी के मंदिर परिसर में क्या क्या बदलाव आए हैं? बहुत बदलाव, पहले कुछ नहीं था, छोटा हनुमान जी थे, छोटा मंदिर था, बाद में धीरे धीरे बड़ा बना और बदलाव तो बहुत हो रहा है, बहुत बदलाव। अभी रामनवमी बहुत 10 तारीख को रामनवमी आने वाली है, तो उसे लेकर क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? झांकी निकलेगा, बहुत प्रसाद बंटेगा, पूजा होगा, यही होगा, दूसरा क्या होगा। देवी का पाठ होता है, भगवती का पाठ होता है और 9 दिन निराहार रह करके हम लोग पाठ पूजा करते हैं। इसके बाद रामनवमी उत्सव मनाते हैं, बीच में झांकी होगा, झंडा इधर से वहाँ सब घूमता है और इसके बाद अपना निकलता है यहाँ से तपोवन के लिए। अच्छा, रामनवमी को तो बहुत काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ उमड़ेगी, भक्त काफ़ी संख्या में आएंगे, तो उसे लेकर क्या क्या तैयारियाँ की जा रही है? बहुत, यहाँ का जो कमेटी वाले लोग हैं सब अपना इंतजाम करते हैं, सब लोग आदमी रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो इस पर पूरा ध्यान ही लो देते हैं, सब लोगों को सुविधा हो, सुविधा से लोग अपना प्रसाद चढ़ावे, पूजा करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो मंदिर में यहाँ पे कब से भीड़ होने लगती है रामनवमी के दिन पे? सवेरे से, बहुत सवेरे, 4 बजे से। तो आप मुझे इस मंदिर की मतलब कुछ खासियत बता सकते हैं? जैसे मंदिर की खासियत है जैन, बड़ा जागृत मंदिर है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, लोगों की आस्था है, अपना मनोकामना लोग मानते हैं, पूरा होता है, पूरा होने के बाद यहाँ लोग आते हैं, अपना प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं और ये भगवान से बड़ी आस्था लोगों को है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मुन्नालाल अग्रवाल। अच्छा, यहाँ पे जो हनुमान मंदिर है यहाँ पे आप कार्यरत हैं? जी, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। आप कहाँ के? अभी हम लोग 2 साल के बाद ये कोरोना का महाकाल लेकर के रामनवमी नहीं बना पाए, बहुत दुखद बात हम लोगों के लिए, हिंदू समाज के लिए। अब कोरोना भगवान ने बहुत कम किया है, तो जनता अब बाहर निकल रही है, तो भगवान का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। अब भगवान से, जनता से हम यही प्रार्थना करते हैं कि सब सुख शांति से रहें और रामनवमी का जुलूस बहुत भव्य रूप से निकले, सुख शांति से निकले, सब में सुख शांति की श्रद्धा भावना बनी रहे, सब में प्रेम बना रहे, सब में एकता बनी रहे, सब एक चट्टान दिखाएं। ये 29 तारीख को हम लोग का मंगलवारी बनाने जा रहे हैं, इसको जुलूस निकलेगा, मंगलवारी जुलूस रात्रि 7 बजे से, दूसरा मंगलवारी जुलूस हम लोगों का 5/4/2022 को निकलेगा, महाअष्टमी हम लोगों का 9/4/2022 को होगी, महारामनवमी का महापुरुषोत्तम भगवान सुपुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शोभा यात्रा महारामनवमी का जुलूस भव्य रूप में दिन के 2 बजे से प्रारंभ होगा। तो हम सभी भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं कि हजारों हजार की संख्या में सरकार का आदेश का पालन करते हुए जुलूस में शामिल हों और भगवान से आशीर्वाद लें और इसको सफल बनवाएं। इसी के साथ में जय श्री राम।